अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों? दोस्तों ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी जो है मैं सेटअप पर आ गया हूँ, और दोस्तों आज ना एक गुड न्यूज़ है, और जो है ना मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ और शामिर को भी। बिल्कुल अभी अभी मैंने दिखाई, क्योंकि शामिर को भी नहीं पता था। मैंने भी ना यार सुबह मैं आया था जो है इनको ना देखने ना। हाँ हाँ दोस्तों, इंशाल्लाह आपको ना अभी थोड़ी देर में पहले दिखाएंगे। अभी तो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना अपनी मुर्गियों को जो है पानी वानी भी डाल दिया और लहसुन भी डाल दिया। असल में अभी थोड़ा काम में लगे हुए थे, जब भी ना ब्लॉग आए हमने देर से स्टार्ट किया। मुर्गियों वगैरह को ना हमने सबको पानी भी डाल दिया, देखें, और यहाँ लहसुन भी डाल दिया। और यहाँ थोड़ा दाना ना हमारा शेरू का जो है ख़राब हो गया था, क्योंकि शेरू ना दोस्तों आज ना हमारा दाना नहीं खा रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया था। अभी जो है थोड़ा सही हुआ है ये, तो इंशाल्लाह ना इसको अब थोड़ा दूसरा दाना देंगे, ठीक है ना। बाकी हमारी मुर्गियाँ तो सारी खा रही हैं, और रैबिट्स भी माशाल्लाह लहसुन शामिल वहाँ से हटिए, वहाँ लहसुन पड़ा होता है, रैबिट्स को खाने दो वहाँ से, तो पूरी फैमिली खा रही है, ठीक है ना। बाकी अभी दोस्तों दुम्बो का हमें दाना डालना है, क्योंकि आज ना लहसुन वगैरह हमारे पास कम था, तो पहले ना मैं गिनी पिग्स को डाल देता हूँ। शामिल हाँ, नकली अंडे रखे हुए, मैंने मुर्गी को देखा था, देखने के लिए रखे थे कि हमारी चॉकलेट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। तो दोस्तों माशाल्लाह जो है अभी हमने अपने टुब्बों को जो है वहाँ पे डाल दिया लहसुन ना, जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा था। और यार ये नीचे बहुत गिरा देते हैं, अब ये नीचे वाला जो है ना ये हमारे रैबिट्स खाएंगे। और यहाँ पे हमने गिनी पिग्स को भी डाल दिया है, ये भी माशाल्लाह खाने में लगे हुए, देख सकते हो। और इनका हमने केज वेज यार कल ही साफ़ किया है, केज है इनका बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये देखें कितना गिरा रहा है, ये देखें हमारे छोटू है ना, छोटू मोटू दोनों ही गिराते हैं यार, देख रहे हैं माशाल्लाह दोनों अभी खाने में लगे हुए, तो अभी इनको खाने देते हैं। बाकी दोस्तों वहाँ तो हमारी सारे ना मुर्गियाँ वगैरह सब खा रही हैं, और यहाँ पर भी ना हमने अपनी लोमन ब्राउन को भी माशाल्लाह पानी वानी भी डाल दिया था, ठीक है ना। और जो है इनको लहसुन भी डाल दिया था, फीड भी डली हुई। अच्छा इनका पानी का बर्तन सही कर दूँ, ये गिर गया था अभी, ठीक है ना। बाकी यहाँ दिखा रहा हूँ आज मैं अपने टर्टल्स को भी दिखा दूँ, क्योंकि जनरेटर बंद हो गया है, तो माशाल्लाह देख सकते हैं इसको भी लहसुन डाला हुआ, इसने जितना खाना होता खा लेता है। अभी देखेंगे पता नहीं भूखा हो रहा है या क्यों ऊपर आ रहा है, वैसे ज़्यादातर भूखा होता है ना ऊपर आता है। अच्छा इसका पानी देखें, अभी हमने कल परसों ही चेंज किया था, असल में कल रात में टाइट वाली हवा चली ना, उसने इसका सारा पानी ना गंदा कर दिया, मट्टी वट्टी आ गई इसके पानी में। बाकी हम अपने लैला के चिक्स को भी देख लेते हैं, माशाल्लाह सारे हेल्दी हैं इनको। आज हमने ज़रा ना अंडा भी खिलाया, ठीक है ना, अंडा डाला इनको, फिर उसके बाद जो है हमने इनको ज़रा लहसुन वगैरह भी दिया, तो माशाल्लाह इन्होंने सब ने ना रच के खा लिया है। और इनकी भी देख लें भाई, मैडम के बच्चों को क्या कर रहे हैं मैडम के साथ, तो माशाल्लाह सारे। अच्छा आज इनको हमने खोला भी था, मैं एक बार और खोल लेता हूँ, ज़रा थोड़ा बाहर बाहर घूमे, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो यार इनको ना मैं थोड़ा खोलने लग गया चीले वगैरह, क्योंकि ज़्यादा ऊपर है, आपको पता है इतनी नीचे है नहीं, काफ़ी ऊपर गई हुई है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, मगरिब की होने वाली है, तो चीले ना सारी ऊपर चली जाती हैं। तो ये कि थोड़ा मैं इनको खोलने की आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं इनको ले जा नहीं सकता, वहाँ पर यार जाते हैं ना डरते हैं एक तो सारी मुर्गियों से, तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इनको ना यहीं पर खुलने की आदत डालूँ, ताकि हम यहाँ पे खुल उल के सुकून से यहाँ पे ना घूमे फिरें, थोड़ा ना जगह को भी पहचान लें, वरना आपको पता है डरेंगे सारे फिर ये ना, तो ये हाथ वाथ में भी नहीं आएंगे। अभी माशाल्लाह सुकून से ये घूम रहे हैं, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना मैडम के चिक्स, तो इंशाल्लाह इनको भी हम खोलेंगे, सॉरी लैला के चिक्स, तो यार इनको भी इंशाल्लाह खोलेंगे, इनके भी माशाल्लाह काफ़ी सारे पर वगैरह आने लगे। अच्छा हम लोमन ब्राउन वाला बच्चा कहाँ है, वो रहा माशाल्लाह कोने में। दोस्तों सारे बच्चे माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव हैं। यार इनको मैं आज ना इनकी वैक्सीन करना भूल गया, तो वैक्सीन लेकर आनी है, वो लाया नहीं मैं आज, थोड़ा काम में लगा हुआ था, तो इंशाल्लाह वैक्सीन लाके इनकी वैक्सीन भी करूँगी। अच्छा यार ये वो एक चूजे को शायद पीछे से मोशन टाइप के हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अच्छा उसको मुझे पकड़ के देखना पड़ेगा उसको क्या हो रहा है। बाकी चिक्स को भी सबको देख लें, सारे हेल्दी हैं सारे, तो माशाल्लाह सही नज़र आ रहे हैं। अच्छा उस एक चूजे को देखते हैं यार मैं पहले क्या हुआ है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो है ना मैंने लैला के वाले चिक्स को पकड़ के देखा, उसको कुछ थी मैं समझ, शायद उसके ना पीछे से ना जो पोल्ट्री वगैरह है ना वो जाम हो गई है, तो मैंने देखा वो हल्के से ना शायद उसको मोशन मोशन लगे होंगे, तो माशाल्लाह वैसे अभी वो बिल्कुल सेट है, तो इनको ना मल्टीविटामिन का पानी दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अब कल इंशाल्लाह दोबारा देंगे, तो वो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। दोस्तों शेरू को ना अभी जो है मैं छिलका और चोकर देने लगा हूँ, क्योंकि ना यार ये कुछ खा नहीं रहा था, लहसुन वगैरह भी सही से नहीं खा रहा था, वो माशाल्लाह देख सकते हैं, तो ये अभी ये छिलका और चोकर खा रहा है, तो थोड़ा ना इसमें डाल लेते हैं, अभी खाए तो फिर इसको ना मैं और बना दूंगा। हाँ हाँ माशाल्लाह देख सकते हैं दोस्तों रैबिट्स का बच्चा हमारा कहाँ खा रहा है, और ना इनको भी इन्होंने भी ख़त्म कर दिया। हाँ दोस्तों अभी तक मैंने आप लोग को सरप्राइज ना दिखाया और ना बताया कि वो है कैसा, मैं अच्छा ये पकड़ो ज़रा,
तो दोस्तों हमारी जो ट्विंकल है ना, माशाल्लाह हमारी ट्विंकल ने भाई दोबारा से बच्चे दे दिए। अभी मैं आपको ना चल के दिखाता हूँ दूसरी ब्रीड आएगी, और माशाल्लाह पता आपको कितने बच्चे दिए दोस्तों, 8 बच्चे दिए हमारी ट्विंकल ने। और माशाल्लाह ट्विंकल हमारी ये बैठी, और ट्विंकल ने देखें पहले तो आधी गंजी थी शामिर, अब तो पूरी गंजी हो गई यही है। और शामिर पता मुझे कैसे पता लगा, मैं जब दोपहर में आया ना तो ट्विंकल ना दुम्बई खोर में बैठी हुई थी, और वहाँ बैठी हुई उन्हें थोड़ी सुस्ती लग रही, और मैंने देखा ट्विंकल ना पतली पतली सी लग रही और बाल भी उतरे हुए इसके, तो मैं समझ गया डायरेक्ट मैं गया रैबिट हाउस में, और जैसे ही मैंने रैबिट हाउस में देखा उसमें मुझे बाल नजर आए, जैसे ही बाल नजर आए मैं समझ गया शामिर इसने बच्चे दे दिए। देखा तो शामिर उसमें बच्चे दो जगह हुए थे अलग अलग, फिर जो है ना मैंने भाई इसके बच्चे फौरन देख के और सबको ने एक जगह किया, और माशाल्लाह 8 बच्चे हैं। और ना अभी मुझे छोटे छोटे से बच्चे लग रहे हैं, या तो अभी फर्स्ट पहला दिन उनको ऐसे छोटे होंगे। हाँ नहीं नहीं शामिर तो हम रात में बंद करके आएंगे ना। हाँ हाँ अब रात में तो बंद करके आएंगे ना सबको, सारे रैबिट्स को भाई, ये रैबिट हाउस इतना बड़ा है माशाल्लाह इसके अंदर करके आएंगे। और अभी हमारे पास यार एक और कोई केज है नहीं, वरना ना हम अपने छोटे वाले रैबिट शामिर इनको वरना अलग कर देते। तुम्हारे पास है केज? ऐसा केज इसमें रैबिट बंद हो जाएंगे 6,000 रुपए का। हाँ। तो क्या हुआ हमें फ्री में दे दो, कोई मसला थोड़ी है, एक ही बात है शामिल ना, ग्रुप के बात हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं अभी अगर हमें कोई केज वगैरह मिल गया ना तो यार हम छोटे वाले बच्चों को अलग कर देंगे, और ना देखेंगे वो इन्हीं के साथ ना बंद कर देंगे, मसला नहीं है। तो चलें आप चल के ना जरा मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि हमारे रैबिट्स के नए वाले बच्चे किस तरह के हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों देख सकते हैं ये दोस्तों, शामिल रोशनी छोड़ो, तो माशाल्लाह दोस्तों इसमें जो है 8 बच्चे हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और आज जो है हवा भी बहुत तेज चल रही है, तो हम ज्यादा इसको ना खोल नहीं रहे, एक ही बार मैंने देखा था और एक बार शामिर को दिखाया। आपको वो है ना दुम्बा है ना जो हमारे मोटू है ना आपको चाट रहा है। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा शेर वो मोटू है ना, ये भाई सबको ना चाटने में लग जाता है ऐसी, तो इसको दाना डालना, इस वजह से शामिर चाट रहा है, बोला दाना डाल दो अब टाइम हो गया है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये माशाल्लाह हमारे बच्चों को देख लें आप, ये अभी जो है इनको इंशाल्लाह ये जब बड़े होंगे ना शामिल फिर बाहर निकलेंगे, कितने सारे हो जाएंगे हमारे सेटअप पर शामिल, रैबिट्स फुल भरी आएगा है ना। मैंने शीप बेबी मंगाया है, बुक कर दिया मैंने सच्ची। हाँ। देख लो शामिल। हाँ चाचू। दोस्तों शामिल बोल रहा भाई हमने ना दुम्बे का बच्चा मंगाया, तो देखते हैं भाई फिर तो दुम्बा ही तो होता है वो। अच्छा पीछे देख के तुम रैबिट्स है और बच्चे हैं कभी दबा दो उनको, वो है ना बकरी का बच्चा। अच्छा बकरी का बच्चा, गोट बच्चा बोलो ना, तो गोट का बच्चा शीप तो दुम्बा होता है ना। मैं ना वैसे लाऊंगा। और इसको देखें भाई ये देखें, मुझे पता नहीं दबाने में लगा फट गया। अंकल को बोला कर है ना ब्लैक एंड व्हाइट निकलाना तो हाँ। दे देना। अच्छा चलो देखते हैं। और दोस्तों अब जो है मैं अपने दुम्बों को दाना डाल दूं जरा इनको, ये जो है इनको दाना डालना है, अब ये भूखे हो रहे हैं, इनको दाना वाना डालते हैं और फिर जो इनको पानी वानी भी पिलाएंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अपने सारे दुम्बों को दाना पानी कर दिया माशाल्लाह देख सकते हैं, इनको भी हमने दाना वाना डाल दिया था, ये भी भाई बड़े मज़े से खा रहे हैं, तो इनको थोड़ा करीब कर देते हैं भाई, थोड़ा सा बचा है इनका माशाल्लाह, ये अभी खा लेंगे ठीक है ना। और दोनों अभी माशाल्लाह लगे हुए खाने में। अच्छा पानी वानी थोड़ा मैंने पिला दिया, इसको भी पिला दिया। अच्छा इसको मैंने पहले सिर्फ छिलका डाला हुआ था तो खा रहा था, थोड़ा मैंने दाना और मिलाया ना छिलके में, तो अब इसने थोड़ा छोड़ दिया है कि जब इसको थोड़ी भूख लगेगी तो खा लेगा। और शामिर की भी सुन लो भाई, शामिर क्या बोल रहा है। वही हां मैं ना सबसे अच्छा दिन था क्योंकि हमारे रैबिट ने ना दूसरी ब्रीड कर दी। हाँ। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रैबिट्स ने भाई दूसरी ब्रीड कर दी आज, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी शामिल ब्रीड हमारे जो रैबिट्स है ना बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे अभी देखना तुम। बाकी माशाल्लाह सब खाने में लगे में तो इनको खाने देते हैं। और मुर्गी यार हमने उसको बिठाया था टोकरी के अंदर के वो कुड़ुक हो जाएगी, मगर वो कुड़ुक नहीं, मैं समझा कुड़ुक हो गई क्योंकि अंडे नहीं दे रही ना, 3 दिन हो गए अंडे ही नहीं दे रही यार वो। तो इंशाल्लाह देखते हैं अब जो है अंडे देती है नहीं देती। दोस्तों ब्लॉग को यार मैं यहीं पे ना एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं इंशाल्लाह कल ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।